स्वागत है आपका गतिमान आईक्यू स्टडी पर। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ आपको मैथमेटिक्स की क्लास ली जा रही है और इसमें तैयारी कराई जाती है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव क्लास की, रीट अध्यापक या फिर ग्रुप डी, रेलवे, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी इत्यादि की। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड विधि, शॉर्ट विधि आपको हर तरीके से बताई गई थी कि वर्गमूल कैसे फाइंड किया जाता है। और आज हम आपको बताएंगे घनमूल। तो घनमूल निकालने की आज सबसे बेस्ट विधि, सबसे बेस्ट मेथड लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। तो आप आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज के बाद आपको क्यूब रूट्स यानी घनमूल में कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसा भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाए। या ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th, 10th, 8th के लिए भी उपयोगी है, सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं तो आप देखिए, घनमूल इस तरह से आपको बताया जाएगा कि आपको आज के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए चलते हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें और सभी अपनी तैयारी कर सकें। अब देखिए घनमूल, तो वर्गमूल पढ़ा था हमने। वर्गमूल में तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो वर्ग कहलाता था, हैं, और उसका हम वर्गमूल ले लेते थे। जैसे अगर चार है तो चार के ऊपर हम ऐसे रूट चढ़ाते थे, तो ये बाहर निकल के क्या हो जाता था, ये इस तरह से आ जाता था 2 × 2 = 2। ये तो वर्गमूल होता था आपका, हैं, क्या था ये वर्गमूल था। अब हम आज पढ़ रहे हैं घनमूल। तो देखिए घन संख्या पहले हम देखते हैं क्या होती है। घन संख्या ये क्या कहलाती है, देखिए ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। किसी संख्या को यदि उसी किसी संख्या से तीन बार गुणा किया जाए, हैं, किया जाए तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। घन कहलाता है। ठीक है, ये घन कहलाता है, ठीक है ना। अब घन कैसे होता है, मतलब देखना आप ध्यान से, ठीक है। अब आप देखिए इसको एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको दे दूँ 4। अब 4 का घन क्या होता है ना, अभी घन मूल नहीं कह रहा मैं आपसे, मैं घन की बात कर रहा हूँ केवल। तो घन का मतलब होता है 4^3, ये हो गया घन। क्यों? क्योंकि पावर 3 है। और इसी को हम यूँ लिख सकते हैं, मैंने जैसे बोला कि इसी को 3 बार गुणा कर दें, 4 × 4 × 4, तो 4 × 16 और 16 × 64, ये 64। तो ये आपका घन, 4 का घन कितना आ गया, ये 64। ये आपका 4 का क्यूब कहलाएगा। 4 का घन का ही मतलब है ना 4 का क्यूब, इंग्लिश में 4 का क्यूब बोल दिया। तो ये तो होती है घन संख्या। तो आप समझ गए घन संख्या क्या होती है। जैसे अभी 2 का घन पूछे आपसे, 2 का घन क्या होगा, तो 2³ यानी 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 8, ये घन हो जाएगा आपका, हैं। तो ये होती है घन संख्या। बहुत डिटेल से समझेंगे अच्छे से इस टॉपिक को। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ घनमूल निकालना। अब बात करते, ये तो घन संख्या की बात थी, अब आता है घनमूल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं भाई घनमूल, तो देखिए दी गई संख्या के गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहला तो क्या है कि दी गई संख्या के, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ, गुणनखंड विधि द्वारा। पहला तो हम इससे सीखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल जैसे हम यूँ ले लेते हैं कि सपोज करिए क्या लें, 3375 लेते हैं हम,
कि इसका हमें घनमूल निकालना है। ध्यान से देखना आप। तो घनमूल निकालने के लिए इसको क्या करते हैं हम, देखिए इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे लिखते हैं गुणनखंड विधि में 3375 है। अब हमें देखना है कि इसमें किसका, देखिए इसमें सम संख्या का दो का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी यूनिट जो इकाई है वो विषम है ना, ओड नंबर है। तो तीन का भाग जाता है कि नहीं जाता, ये देखो पहले। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं, अगर इनके योगफल में तीन का भाग जाता है तो हम तीन का भाग यहाँ देंगे। तो 7 5 12, 12 3 15 और 3 18, तो ये 18 आया इनका योग, 18 में तीन का भाग चला जाएगा, इसलिए हम तीन का भाग दे के देखते हैं यहाँ। तो तीन का भाग देते हैं हम, तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 और 1 बचेगा 3 5 15 हैं। फिर इसको भी देखते हैं, 5 2 7 8 9, इसमें भी तीन का चला जाएगा। 3 3 9, इन दोनों में 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का देते हैं, 3 1 3 और इसमें 3 2 6, 3 5 15। अब इसमें देखो 5 2 7 1 8, इनका योग हो रहा 5 2 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अब आगे 3 का भाग हम नहीं देंगे। हम ऐसे ही चेक करेंगे किसी भी संख्या को कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। हम ज़बरदस्ती यहाँ दे दें और यहाँ शेष फल बच जाए, क्या फ़ायदा, फिर भाग पूरी बार जाना चाहिए गुणनखंड में। तो अब इसमें किसका भाग जाएगा, 4 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 सम होता है और यहाँ ये ओड नंबर है। तो 5 का देंगे हम, क्यों, क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो 5 का भाग जाएगा। तो 5 का देते हैं, जिसकी इकाई अंक 5 रहती है ना, तो उसमें 5 का भाग लगभग चला जाता है। तो 5 2 10, 2 5 25, फिर 5 को भाग देंगे 5 5 25, फिर 5 का भाग देंगे 5 1 5। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड आपका यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, कि वर्गमूल में तो हम दो दो के जोड़े बनाते थे, और घनमूल में, घन दिखाया ना मैंने आपको कि 3 पावर लगती है, इसलिए इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए ये एक जोड़ा बनेगा और ये आपका दूसरा जोड़ा बनेगा। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा देखना। 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ये बना आपका। तो इन तीनों का है ना जोड़ा बनाएंगे, तो इसको एक बार लिखेंगे 3, और इन तीनों का जोड़ा बनाएंगे तो इसको भी एक बार लिखेंगे 5 हैं, और इसको मल्टीप्लाई करना ही हमें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15, यही आपका आंसर होगा। यदि आप 15 × 15 × 15 करते हैं तो आपका आंसर ये 3375 आएगा, 3375। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, हैं। तो 15 × 15 × 15, देखिए मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा फास्टली। 15 × 15 = 75 है, हासिल का 7 और ये भाई ये 225 होता है। आप जानते हो 15 का वर्ग भी 225 होता है, और इसको फिर है ना डायरेक्ट मैं 15 से मल्टीप्लाई आपको कर देता हूँ। 15 × 75 = 5, हासिल का 7, 15 × 2 = 30 और ये कैरी जो है 7 37 = 7, हासिल का कैरी 3 हो गया, और 15 × 2 = 30 और 3 33। तो ये आपका चेक मेथड से राइट है, देख लीजिए आप, आपका प्रश्न यही था। तो इस तरह से गुणनखंड विधि से हम घनमूल ज्ञात करेंगे, ठीक। एक एग्जांपल हम और देखते हैं आपको, एग्जांपल 2 देखते हैं यहाँ पर, दूसरा इसका 9261। तो इसका निकाल के देखते हैं ज़रा, 9261। तो यहाँ भी देखिए आप, विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको देखते हैं 3 का भाग इसमें जाता है क्या, 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 6 15 जाएगा, क्योंकि 15 में 3 का भाग चला जाता है, 3 5 15। तो अब 3 का भाग देते हैं इसमें, 3 3 9, और अब 9 हो गया, इस 2 में नहीं जाएगा तो 0, तो अब 26, 3 7 21, 3 8 24 और 3 7 21, फिर इसमें 8 और 7 15, 3 18 अभी भी चला जाएगा। 3 का देके देखते हैं, 3 1 3 और ये 0, 3 2 6 और 3 9 7, फिर इसमें 3 का देके देखते हैं, 3 3 9, 3 4 और 3 3 जा, अब इसमें नहीं जाएगा 3 का भाग, देखिए डिवाइड नहीं होगा, 4 3 7 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब हम क्या करेंगे,
देखते हैं कि इसमें किसका जा सकता है। 5 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 3 है और 5 के पहाड़े में कोई नहीं आता। 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देते हैं हम। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये 6 बचेगा और 3 7 9 63। फिर 7 का देंगे 7 7 49, और 7 का देंगे 7 एकम 7। ये हो गया गुणनखंड आपका। वही तरीका हमारा, लिख लेते हैं इसको बराबर लगा के। 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। ये तीन तीन के जोड़े बनेंगे घनमूल होने के कारण, वर्गमूल में दो दो के बनते हैं। तो ये 3 गुणा, और ये एक बार इसको लिखेंगे 7, हर जोड़े में से एक ही बार लिखना हमको। तो ये 21, यही हमारा आंसर होगा। यदि हम चेक करने के लिए 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे घनमूल यानी 3 बार, तो हमारे को यही प्राप्त होगा 9261। आप चेक करके देख सकते हो। तो ये गुणनखंड विधि से आपको घनमूल ज्ञात करना सिखाया। आइए अब शॉर्ट ट्रिक मेथड से एक हम वापस घनमूल ज्ञात करते हैं। अब देखिए, शॉर्ट ट्रिक विधि से चलने से पहले एक कंडीशन होती है घनमूल की, कि आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको करने की कोशिश करता हूँ बताने की। 1 का क्यूब क्या होता है आप जानते हो? 1 का क्यूब क्या होता है आपको पता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 है। 3 का क्या होगा? 3 का क्यूब क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27। इसी प्रकार से 4 का क्यूब क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16 चौक 64। 5 का क्यूब क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 125। 6 का क्यूब क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36 इंटू 6 बराबर 256 है, 256 की 216, 216 होगा। फिर 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, और यह होगा आपका 343। 8 का क्यूब क्या होगा? 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर 512। मुझे लगभग याद भी है, इसीलिए आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। 9 का क्यूब क्या होगा? 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 729। और 10 का क्यूब क्या होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1000। तो यहाँ तक के आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब आइए हम करते हैं हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से। तो ये सेकंड मेथड आपका जो रहेगा, सेकंड मेथड, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक दी जाएगी। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना आपको क्वेश्चन, जैसे आप एग्जांपल, ये पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, 5625 का घनमूल फाइंड करना हमें। तो सबसे पहले तो घनमूल बोलता है तो 3 के जोड़े बनाते हैं हम, और इस 3 के जोड़े को बनाते हैं तो ये तो राइट साइड का हो गया हमारा, और लेफ्ट में बच गया 2, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। ऐसे लिख लेना आप, लेफ्ट और राइट कर देना इसको। और इसमें क्या करते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट साइड में, एल में, एल में ध्यान से देखना आप, एल में यानी इसमें 15 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या यानी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। तो बराबर क्या है? 8। कैसे? क्योंकि आप जानते हो 8 है, क्योंकि 2 का क्यूब होता ही, अभी मैंने बताया ये 8। अगर आप इससे बड़ी लेते हो 27, जो ये 15 से बड़ी हो जाएगी, तो ये हम लेंगे ही नहीं। तो ये 8 आया, और ये 8 जो है ना, ये तो पूर्ण घन संख्या है 2 का, है ना, पूर्ण घन है 2 का। तो 8 का जो मैं घनमूल लूँगा, घनमूल, तो वो 2 निकलेगा, है ना, 2 होता ना, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा तो एक बार उतरेगा, तो 8 घनमूल 2, तो ये तो 2 हो गया। और राइट में क्या देखेंगे हम? राइट में इकाई अंक का
मान जो कि कितना है, 5 है। तो जो ये इकाई अंक का मान 5 है, वो हम देखते हैं कि ये किस घन का मान है। तो हम देखते हैं कि 5, देखिए आप यहाँ पे 5, 5 का जो घन है उसमें इकाई का अंक 5 है, ये यही चेक करना हमको। तो ये किसका है, ये 5 का है, इसलिए हम ये 5 लिख लेते हैं बराबर। और इसी को हम क्या कर देते हैं, ये 2 पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट में, और ये राइट है तो राइट में 5, यही हमारा आंसर आ जाता है। और इसको अगर आप चेक मेथड से चेक करोगे, 25 × 25 × 25 अगर आप चेक करोगे, तो ये 625 × 25, 25 × 125 की 5, हासिल का 12, 25 × 50 और 12 62 हैं, 62 की 2 हासिल का 6 और 25 × 150 और 6 156, ये आपका आंसर आ गया। देखो चेक मेथड कर दिया मैंने आपके लिए। तो इस तरीके से आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक विधि से बहुत जल्दी। अब आप मान के चलो कि एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 912673 का घनमूल बताओ, घनमूल ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, तीन तीन के जोड़े, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड में आप ये देखेंगे, अब मैं लिखता नहीं हूँ, अब मैं यूँ लिखता हूँ कि इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक छोटी है पूर्ण घन, यानी इससे 912 से, 912 से ठीक छोटी पूर्ण घन कितनी हो जाएगी। तो हम जाके यहाँ पे देखें, अगर 912 से, तो देखिए 912 के ऊपर तो ये 1000 जा रहा, तो ये 729 हो जाएगा, तो ये 729 पूर्ण घन। और इसका घनमूल कितना आ जाएगा, इसका घनमूल कितना आ जाएगा, इसका घनमूल आ जाएगा आपके 9 है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। और राइट साइड में हम इकाई का अंक देखें 3, तो ये किस घन के अंदर मिल रहा है हमको, तो ये देखिए 3 जो है हमें ये यहाँ प्राप्त हो रहा है हमें इस वाली में। देखिए आप, इसकी इकाई अंक है 3 और ये किसका है, 7 का है। तो इसके लिए जो है हम लिख देंगे यहाँ पे 7। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, तो 97 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अगला देखिए आप, तीसरा एग्जाम्पल। अब मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल थोड़े से बता देता हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए कहीं। 39304 का घनमूल बताओ, आपसे बोल दे, आपको वही करना है, तीन जोड़े बनाना है इस तरीके से। आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो। तो आप ये देखो कि 304 जो है, 304 कहाँ पर, किसकी इकाई संख्या में ये 4 आ रहा है। तो हम चलते हैं टेबल की तरफ जो मैंने आपको बना के बताया था। तो आप देखो इसमें 4 कहाँ आ रहा है, ये 4 देखो आप यहाँ आ रहा है यहाँ, और ये किसके घन है, 4 का, 4 का घन है ना ये, क्योंकि ये 64 में आ रहा है 4 इकाई अंक हमारे सवाल के अनुसार। ये तो ये 64 और 64 किसका, 4 का। तो इसके लिए तो हम यहाँ लिख देते हैं सीधे 4। उसके बाद ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये ज़रूर लिख लेना आप। और लेफ्ट साइड में चाहो तो आप देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ये देखो कि 39 से पहले ठीक पूर्ण संख्या किसका है। तो आप जानते हो कि ये 64 हो जाता है और ये 3 का पूर्ण घन संख्या है, 27 है। तो ये 27 है, 39 से ठीक पहले 27, और 27 ये तो घन है, तो इसका घनमूल कितना होगा, घनमूल हो जाएगा इसका 3, 3 इसका घनमूल हो जाएगा 27 का, है ना। 39 से पहले घन संख्या है 27, और 27 का जो घनमूल हो जाएगा, क्योंकि अगला आ जाएगा 64 जो बड़ा हो जाता है, और ये आ जाएगा 3 इसका घनमूल, तो ये इसका आंसर बन जाएगा आपका 34 आंसर। एक तो ये मेथड है देखने का, या आप ये देख सकते हो कि ये 39 जो है ये किन दो घन संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो आप देखो 39 देखो, एक तो ये 27 है और एक ये 64 है, इनके बीच में आएगा 39,
और जब ऐसा हो तो हमेशा छोटे वाले को रखते हैं, तो ये छोटा वाला रख दिया, या तो आप ऐसे देखो। अगला एग्जांपल मैं आपको इसी तरह से बताता हूँ, देखिए ये एग्जांपल नंबर हो गया आपका 3। अब यहाँ कराता हूँ मैं एग्जांपल 4, देखना उसी तरीके से आपको अभी वो बोला जो है। अब मान के चलो कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे देता है 274625, इसका घनमूल ज्ञात करो, तो पहले 3 के जोड़े बनेंगे, हैं ये लेफ्ट और ये राइट। अब आप देखो कि ये 5 किसकी इकाई घन में आता है, ये 5 तो हम जानते हैं टेबल के अनुसार 125 में आता है, देखिए 5, तो इसका तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सीधा, 5 का घन है ये, तो ये 5 इकाई को ही देखना बस, और ये हमेशा छोड़ देना है, दहाई और सैकड़ा छोड़ देना है, छोड़ देना है हमेशा इकाई का ही देखना है, दहाई और सैकड़ा सब में छोड़ना है, क्योंकि हमने कहीं भी पूरे सवाल में नहीं देखा है ये, यहाँ भी सिर्फ हमने देखिए ये 5 ही देखा था, है ना, ये छोड़ देना है हमेशा, है ना। सब में बता देता हूँ मैं आपको, इसमें इसी का देखा था सिर्फ ये कि 3 किसके घर में आता है, 343 7 में, इसको हमेशा हम छोड़ देंगे, कहीं भी इसको देखना ही नहीं, हमें सिर्फ एक ही देखना ही है। तो इसी प्रकार से इस सवाल में इसको हम छोड़ देते हैं, ये लिख भी दिया मैंने इसको, दहाई और सैकड़े को, दहाई और सैकड़े को, सैकड़े को हमेशा छोड़ देना आपको, क्योंकि इकाई से मतलब रखिए, और वो आ गया 5 है। अब इस जोड़े की तरफ चलते हैं, तो आप ये देखो कि 274 जो है ये पूरा, ये किन दो मानों के बीच में आ रहा है, किन दो घन मानों के बीच में, तो देखो आप 216 है ये, और ये 343 है, तो इन्हीं के बीच में 274 रहेगा, है ना, यहाँ तो रहेगा नहीं, ना यहाँ रहेगा, तो इसके और इसके बीच में है, तो इनमें से जो छोटा वाला घन है, जैसे ये छोटा है ना 6 वाला, ये 7 तो बड़ा हो गया, इन दोनों के बीच में आ रहा है, मान लो यहाँ आ रहा है, तो इसमें और इसमें जो छोटा है उसको ले लेंगे, तो 6 ले लेंगे हम 7 ना लेकर, तो ये आ गया इसका 6, तो आपका आंसर हो गया 65। तो इसका आंसर आपका हो गया 65, अगर आप इसमें चेक मेथड लगाते हैं, 65 गुणा 65 गुणा 65, आप कैलकुलेटर पर करके देख लेना, तो आपको 274625 प्राप्त होगा आंसर। तो इस तरह से आप कैसा भी घनमूल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गई 4 5 नंबर की 6 नंबर की। अगर आपको मान लो कि एक एग्जांपल मैं छोटा करा देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट वाला, कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन यूँ दे दे कि 3375, 4 डिजिट में दे दे का घनमूल, बहुत से लोग सोच रहे होंगे, उनको परेशानी आती कभी कभी ऐसी चीज़ों से, तो घनमूल में इकाई हमेशा आपको 3 का ही बनाना है, ये राइट और अकेला छूट गया ये लेफ्ट, और आपको वही करना है, कुछ नहीं करना है। ये 5 किसके इकाई अंक में आएगा, 125 में, क्योंकि दहाई और सैकड़ा को तो इसको छोड़ना है हमें, है ना, इसको तो छोड़ दो आप, ये 7 है, ध्यान रखना मैंने ये गोला बना दिया, ये दहाई और सैकड़े को तो आप छोड़ दो, है ना, छोड़ दो, तो ये 5 देखना है, 5 का सीधा किसका इकाई अंक है, 125 यानी 5 का, तो 5 टेबल में जाके देख लेना, आपको याद नहीं हो जब तक, और आप याद कर लेना ये 5 इकाई अंक, देखो आप 5 का है, तो ये 5 लिख दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ अकेला 3 बच गया, तो आप ये देखो कि 3 किसके बीच का है, एक मेथड तो ये 3 जो है ये किसके बीच का है, तो आप यहाँ आ जाओ जल्दी से, और आप देखो कि देखो यहाँ 1 और 8 के बीच में आएगा 3, है ना, और सबसे छोटा वाला लेना इन दोनों में से कंपेरिजन करके, तो 1 ही आ जाएगा, तो ये 1, तो आपका आंसर आ गया 15, है 15 × 15 × 15 करोगे तो 3375 आएगा, है ना। और इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि 3 से छोटी घन संख्या कौन सी होगी, तो 1 ही होगी, है, या 3 किसके बीच में, दो तरह से हम देख सकते हैं इसको, है। एक और छोटा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपके, कितने एग्जाम्पल हो गए, 4 और ये 5 हो गया, है ना, और एक एग्जाम्पल आपके 6ठे नंबर का मैं और करा देता हूँ। तो मान के चलो आपके को यहाँ पे 9261 दे दिया आपको, कि इसका घनमूल बताओ, घनमूल ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना है, 3 का जोड़ा बनाना है, और ये अकेला रह जाएगा, इसमें से इकाई अंक ही देखना हमें, ये तो छूट जाते हैं दोनों, ये तो छोड़ना है हमें, है ना, ये छोड़ दो, तो इकाई अंक 1 है। अब आप 1 कहाँ आता है, किसके घन में आता है 1, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दौड़ के, तो देखिए आप टेबल की तरफ जाने पे 1 देखिए, किसी का इकाई अंक 1 नहीं है यहाँ पर, और कहाँ पर मिलेगा हमें, ये 1 का मिलेगा 1, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे भाई, ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यहाँ 1 लिख दो आप, हैं।
और फिर देखो दो तरह से देखो, या तो ये देखो कि ये 9 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, 9 से जस्ट पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, पूर्ण वर्ग क्या, पूर्ण घन कौन सी आती है। तो आप जानते हो 9 से पहले 8 है, और 8 किसका है, 2 का है। या तो ऐसे देख लो, या ऐसे देखो कि ये 9 जो है, ये 9 जो है किन दो घनों के बीच की संख्या है। तो आओ देखते हैं जरा हम टेबल में, तो देखो ये 8 और 27 के बीच में आएगा 9, यहाँ है 8 और 27 के बीच में आएगा, और छोटा वाला हम लेते हैं इसलिए 2 ले लेंगे, तो ये 2 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 21, यही आपका आंसर है। और जब आप चेक मेथड लगाएंगे, चेक मेथड लगाएंगे 21 इंटू 21 इंटू 21, तो आपको 9261 मिल जाएगा है। तो इस तरीके से आपका घनमूल बहुत शॉर्ट विधि से निकल जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने हर तरह के करा दिया आपको। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप घनमूल सीख पाएँ, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए जय हिंद।